हाय गाइस, आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं वोटर लिस्ट को डाउनलोड करने के बारे में। अगर आप अपने गांव की वोटर लिस्ट को डाउनलोड करना चाहते हैं, पीडीएफ में डाउनलोड करना चाहते हैं या फिर किसी दूसरे गांव की वोटर लिस्ट को डाउनलोड करना चाहते हैं, तो उसका तरीका मैं आपको यहां वीडियो में बताने वाला हूं। स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कैसे आप डाउनलोड करेंगे, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, एंड तक देखना है। तो चलिए लैपटॉप की स्क्रीन पर चलते हैं। जो मैं काम लैपटॉप से करने वाला हूँ वही काम आप मोबाइल से भी कर सकते हैं। सेम प्रोसेस है, शुरू करते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, मैं लैपटॉप की स्क्रीन पर आ चुका हूं और आपको सिंपली यहां पे NVSP लिखना है और एंटर कर देना है। इतना करने के बाद नेशनल वोटर सर्विस पोर्टल के नाम से ये पहला लिंक आएगा, आप इसके ऊपर क्लिक कर देंगे। जब आप क्लिक करते हैं तो आपके सामने इंटरफेस कुछ इस तरह का आता है और यहाँ पे आप देखिएगा डाउनलोड इलेक्ट्रॉन रोल PDF, आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पे आपसे आपका स्टेट पूछा जाएगा। जिस भी स्टेट से आप बिलोंग करते हैं, जिस भी स्टेट की आपको वोटर लिस्ट डाउनलोड करनी है, वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। जैसे मान लीजिए मुझे उत्तर प्रदेश की वोटर लिस्ट को डाउनलोड करना है, तो मैं यहाँ पे वोटर लिस्ट के लिए उत्तर प्रदेश को चूज करूंगा और उसके बाद गो के ऊपर क्लिक कर दूंगा। यहाँ पे जितने भी हमारे इंडिया के स्टेट है सभी की लिस्ट दी गई है और सभी के जो पोर्टल है, जो सभी की वेबसाइट है, वो सब अलग अलग है। ठीक है, तो आपको अपने स्टेट की स्टेट को वहाँ पे चूज करना है। जैसे आप स्टेट को चूज करेंगे तो आपका जो आपके स्टेट की जो ऑफिशियल वेबसाइट होगी उस पर आपको ये रिडायरेक्ट कर देंगे। जैसे उत्तर प्रदेश की देखिए ये ऑफिशियल वेबसाइट है, तो हम यहाँ पे रिडायरेक्ट हो गए हैं। अब साइड में देखिएगा यहाँ पे इलेक्ट्रॉल रोल PDF, आप इसके ऊपर क्लिक करिए। जब आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको PDF डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आपका डिस्ट्रिक्ट पूछ जाएगा और डिस्ट्रिक्ट के बाद आपकी विधानसभा कौन सी लगती है जिसकी आपको डाउनलोड करनी है इलेक्ट्रॉल रोल, तो आपको यहाँ पे वो सब चीज़ें सिलेक्ट कर लेनी है। तो सबसे पहले आपको अपना जिला, आपका डिस्ट्रिक्ट जो भी है, आपको यहाँ पर वो सिलेक्ट कर लेना है। ये देखिए मैंने यहाँ पे मुजफ्फरनगर को सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद मुजफ्फरनगर में जितने भी विधानसभा हैं वो सब आप यहाँ पे देख सकते हैं। जिस भी विधानसभा की आपको वोटर लिस्ट डाउनलोड करनी है आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। इतना करने के बाद शो का एक बटन है, आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप देखेंगे आपके सामने चरथावल, ये जो आपने जो भी यहाँ पे विधानसभा या जो भी डिस्ट्रिक्ट आपने चूज किया होगा उसकी जितने भी गांव हैं आसपास जो उसमें लगते हैं उन सभी की वोटर लिस्ट आपको यहाँ पे दिख जाएगी। तो यहाँ पे देखिए गांव का नाम आप देख सकते हैं, गांव का नाम ये रहा, ठीक है, प्राथमिक विद्यालय मंगनपुर, ये रहा आपका बिरालसी, और यहाँ पे अलग अलग गाँव है सब। तो आपको यहाँ पे एक बार ये देखना पड़ेगा कि आपके गाँव का नाम कहाँ पर है। तो देखिए यहाँ पे बहुत से पेज भी दिए गए हैं, आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। मान लीजिए आपका जो गाँव है पहले पेज पर नहीं है, तो यहाँ पे एक एक पेज करके आपको देखना पड़ेगा। तो मान लीजिए यहाँ पे देखिए एक ये रहा निर्धना, कमरा नंबर 2 है, कमरा नंबर 1 है, कमरा नंबर 3 है, अलग अलग, क्योंकि देखिए जो हमारी वोटिंग होती है वो प्राइमरी स्कूल में होती है, तो प्राइमरी स्कूल में अलग अलग कमरों में वोटिंग चल रही होती है। तो आप कमरों के हिसाब से यहाँ से वोटर लिस्ट को डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कमरा नंबर 1 के लिए डाउनलोड करने है, तो मैं यहाँ व्यू के ऊपर क्लिक करूंगा। व्यू के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने एक कैप्चा आएगा, इस कैप्चे को आपको यहाँ पे फिलअप करना है। सेम एज इट इज कैप्चा आपको यहाँ पे फिलअप कर देना है। इसके बाद व्यू एंड डाउनलोड के ऊपर क्लिक करेंगे। इतना करने के बाद PDF आपके सामने आ जाएगी और इसको ओपन होने में थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि ये काफ़ी बड़ी लिस्ट है और लिस्ट को लोड होने में टाइम लगने वाला है। ये देखिए फ्रेंड्स, अभी आप देख सकते हैं वोटर लिस्ट प्रॉपरली डाउनलोड हो चुकी है और 45 पेज इस वोटर लिस्ट में है। नीचे की तरफ अगर आप स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको पूरे गांव का नक्शा भी दिखाया गया है और साथ में यहाँ पे देखिए जो प्राइमरी स्कूल है उनकी पिक्चर्स भी यहाँ पे लगाई गई है। उसके बाद नीचे की तरफ आएंगे देखिए वोटर लिस्ट यहाँ से स्टार्ट हो गई है। तो देखिए यहाँ पे आप फोटो देख सकते हैं, फोटो अभी यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, इसी वजह से फोटो अवेलेबल नहीं है, वरना यहाँ पे आपको फोटो भी देखने को मिलेंगी। यहाँ पे नीचे देखिएगा देखिए काफ़ी बड़ी लिस्ट है। इसी तरह से आप अपने किसी भी स्टेट की वोटर लिस्ट को इजीली डाउनलोड कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल और बहुत ही इजी है। आई होप आपको क्लियरली सभी चीज़ें समझ में आ गई होंगी कि आखिर वोटर लिस्ट को NVSP पोर्टल से कैसे डाउनलोड करते हैं PDF की फॉर्मेट में। वीडियो अगर पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा ये वीडियो आपको कैसा लगा।